कैसे हो? नमस्कार, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं 12 मई के प्रभाव से पटना से नई दिल्ली के बीच एक स्पेशल रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ होने वाला है। इस रेलगाड़ी में जो आरक्षण है वह केवल IRCTC के वेबसाइट और IRCTC के मोबाइल ऐप IRCTC कनेक्ट के द्वारा कराया जा सकता है। इसका आरक्षण 11 मई के शाम 4 बजे से वेबसाइट पर और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि यह रेलगाड़ी पटना से नई दिल्ली के लिए 12 मई के प्रभाव से चलेगी और नई दिल्ली से पटना के लिए 13 मई के प्रभाव से चलेगी। पटना से नई दिल्ली के जाने के क्रम में राजेंद्र नगर टर्मिनल से यह ट्रेन प्रतिदिन शाम के 7:20 पर प्रस्थान करेगी और पटना जंक्शन शाम के 7:30 पर आएगी और 7:40 पर प्रस्थान करेगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रात्रि के 10:12 पर पहुंचेगी और 10:22 पर प्रस्थान करेगी। उसके आगे यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल में भी रुकेगी। अगले दिन प्रातः 7:40 पर यह ट्रेन नई दिल्ली पहुंच जाएगी। वापसी में यह ट्रेन नई दिल्ली से शाम के 5:15 पर प्रस्थान करेगी और कानपुर सेंट्रल रात के 10 बजे पहुंचेगी। 10:05 पर कानपुर सेंट्रल से प्रस्थान करेगी और प्रयागराज जंक्शन 12:05 पर पहुंचेगी। 12:07 पर प्रयागराज जंक्शन से प्रस्थान कर यह रेलगाड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 2:15 पर पहुंचेगी। तत्पश्चात 2:25 पर यह रेलगाड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रस्थान करेगी और पटना जंक्शन सुबह 5 बजे पहुंच जाएगी। अंततः यह 5:10 पर पटना जंक्शन से प्रस्थान करेगी और राजेंद्र नगर टर्मिनल 5:30 पर पहुंच जाएगी। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे IRCTC के वेबसाइट और IRCTC के मोबाइल ऐप का प्रयोग करते हुए इस गाड़ी में अपना आरक्षण करा सकते हैं। इस रेलगाड़ी में 3rd AC के 9 डब्बे, 2nd AC के 7 डब्बे और 1st AC के 2 डब्बे हैं। तो यह रेलगाड़ी पूर्णतः वातानुकूलित है और यह पटना से नई दिल्ली और नई दिल्ली से पटना के बीच में चलेगी।